उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आपका 8 जुलाई जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है रिजल्ट आ गया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट का जो है अभी कोई भी पता नहीं है। यानी कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कौन से मंथ में आने वाली है वो मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो लाइव प्रूफ आपको कैसे देखना है बच्चों, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों करना क्या है, आपको गूगल पे आना है, आपको गूगल पे सर्च करना है ajayvidyagyan.com। आप देख सकते हो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम आपको वैसे ही सर्च कर लेना है ajayvidyagyan.com। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है और सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली जो है वेबसाइट आ जाएगी। आप देख सकते हो अजय विद्यागान नाम से ब्लू लाइन में जो है अजय विद्यागान लिख रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद अजय विद्यागान वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर खुल जाएगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे बच्चा, रिफ्रेश हो जाने दो ना थोड़ी लिंक को, और आप देख सकते हो ऐसे करके आपके सामने ये 8 बॉक्स आ जाएंगे, 4 बॉक्स लेफ्ट साइड पर और 4 बॉक्स जो है राइट साइड पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर पे जो बॉक्स है नवोदय विद्यालय सेकंड लिस्ट क्लास 6। सेकंड लिस्ट का मतलब है बच्चों वेटिंग लिस्ट जो है वो कब आने वाली है। तो यहाँ पे क्लोज पे हम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ऐड जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो पहली लिस्ट डाउनलोड करें। यहाँ पे पहली लिस्ट जो है यानी कि 8 जुलाई को जो आपका रिजल्ट आया था यहाँ से आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और वेटिंग लिस्ट में किसका नाम होगा जाने और कब आएगी लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की डेट अक्टूबर महीने में। बच्चों फाइनली आपको पता चल गया है कि अक्टूबर में आपकी जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है मात्र बच्चों, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद आपका जो है वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन अभी जो रह गया था वो बाद में होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए बच्चों आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, मतलब वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं हुआ तो अगली साल आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। साल में सिर्फ एक ही बार, एक बच्चा सिर्फ एक ही बार फॉर्म डाल सकता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए।